राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दीपावली कथा, लक्ष्मी जी गणेश जी की कथा। दोस्तों, कहा जाता है कि दीपावली की कथा सुनने से माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहती है। हमें दीपावली के दिन यह कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गाँव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ब्राह्मण माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा किया करते थे, पर दोनों छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक किया करते थे। ब्राह्मणी भोग के लिए प्रसाद बनाती तो ब्राह्मण को कहती, जाओ भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, मैं क्यों लगाऊ भोग, तू खुद क्यों न लगावे है जाके, मैं न लगाऊ, तू खुद लगा। फिर ब्राह्मणी कहती, मैंने पकाया है, भोग लगाओ तुम जाके। फिर जब ठाकुर जी के सोने का समय आता तो ब्राह्मण कहता, मैंने भोग लगाया, अब तू सुलाएगी जाके ठाकुर जी को। फिर शाम की धूप बत्ती का समय आता तो ब्राह्मणी कहती, मैंने सुबह सुलाया था ठाकुर जी को, अब तू जाके शाम की धूप बत्ती कर। तो ब्राह्मण कहता, मैं क्यों करूं, तू खुद कर। दोनों इसी तरह लड़ झगड़ के भी माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना जरूर करते। एक दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश सोचे कि ये दोनों कितने लड़ते हैं, सारा समय ये दोनों छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक किया करते हैं, चलो कहीं और जाके हम रहे, यहाँ रहा नहीं जाता, माता लक्ष्मी और गणेश सोचे। फिर माता लक्ष्मी और गणेश चल पड़े नए घर की तलाश में। जब वे एक घर के अंदर गए तो देखा एक सास और बहू है, वे दोनों आपस में खूब लड़ रहे हैं। वे लड़ाई में इतना मगन है कि घर की साफ सफाई का भी उनको ध्यान नहीं है, गंदगी ही गंदगी कर रखी है। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश सोचे, ये जगह हमारे लिए ठीक ना, चलो किसी दूसरे घर में। वो फिर किसी और घर में गए, जहाँ जाके उन्होंने देखा कि देवरानी जेठानी में भयंकर झगड़ा हो रहा है, वे दोनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। ये देखकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों ने सोचा, ये जगह भी हमारे लायक ना, चलो कहीं और चले। दोनों फिर से एक घर में गए, जहां ननद भाभी एक दूसरे का बाल नोच नोच के झगड़ा कर रहे थे। माता लक्ष्मी और गणेश दोनों वहां से भी निकल आए। फिर से वे एक नए घर में गए, जहां भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बने बैठे थे, दोनों आपस में खूब झगड़ा कर रहे थे। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश यह देखकर बहुत चिंतित हुए, दोनों बहुत थक गए, दोनों को कहीं खाने पीने को भी नहीं मिला। थक हार कर दोनों ने सोचा कि दोबारा चलो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर, वही स्थान हमारे लिए उपयुक्त है। दोनों दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाने लगे, पर ब्राह्मणी ने अंदर से आवाज दिया, मैं न खोलू किवार, तुम तो चले गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आए, अब मैं नहीं खोलूंगी किवार। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश बोले, ब्राह्मणी किवार खोल दे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी होशियार थी, उसने कहा, मैं नहीं मानती कि अब आप दोबारा नहीं जाओगे, पहले आप मुझे एक वचन दो, तभी मैं किवार खोलूंगी। माता लक्ष्मी बोली, मांगो, क्या मांगती हो। तभी ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कढ़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का अखार दो, कुल आई बहु दो, घोड़े दो, हाथी दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वरदान दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तेरी सभी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मणी ने किवार खोले और माता लक्ष्मी और गणेश जी अंदर प्रवेश किए और बोले, ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे ये सब प्राप्त होगा, पर एक बात याद रखना, आज के दिन यानी दीपावली की रात में चौका पूर कर एक 4 मुखी दिया पूरी रात घर के बीच में रखकर जलाना, तेरी 7 पीढ़ियों तक तेरे घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही विराजमान रहूंगी। ये कहकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। ब्राह्मणी के घर सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मणी के घर के भंडार भरे, वैसे सबके भरना और हम लोगों के घर में भी विराजमान रहना। माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश।